हेलो केमिकल इंजीनियर्स, आज हम लोग रिएक्टर का डिजाइन करेंगे। ठीक, रिएक्टर का डिजाइन मतलब कि जैसे भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे जहाँ भी इंडस्ट्री में जिस भी प्लांट में जिस भी क्षेत्र में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्टर का तो जरूर आवश्यकता पड़ता होगा, जिसमें हम रिएक्शन कराते होंगे। ऐसा तो है ना कि एक बर्तन लिए, खुले में करा दिए, पता चला उड़ गया बाहर, लोग सूंघ सूंघ के मर रहे हैं, बेहोश पड़ रहे हैं ना। मिथाइल आइसो साइनाइड के बारे में सुने ही होंगे, थोड़ा सा निकल गया, इतने लोग मर गए थे भोपाल में। तो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारा सक्सेसफुली वो हमारा मटेरियल या केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्टर का डिजाइन करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि रिएक्टर है तो उसमें हम फीड डालेंगे तो उसका रेट कितना होना चाहिए, कितना डालेंगे कितना टाइम में, और उस रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है तो कितना देर तक उसको उसमें रखेंगे कि हमारा पूरा हो जाएगा, है ना। सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम जान लेते हैं। जैसे स्टाइक्योमेट्री, किताब का नाम भी स्टाइक्योमेट्री होता है, इंट्रोडक्शन टू स्टाइक्योमेट्री, है ना। तो स्टाइक्योमेट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? ये एक प्रकार का अमाउंट होता है जो कि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, जिसके साथ है कितना उसका अमाउंट है, उसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक ना, जैसे एग्जांपल लेके अगर हम बताएं तो N2 + 3H2, ये NH3 हमारा बचता है, H है ना, 2NH3 हमारा बनाता है। तो ये क्या है, H2 का प्रपोर्शन कितना, 3 मोल, O2 का प्रपोर्शन कितना, 1 मोल, तो हमारा NH3 बनता है 2 मोल, इसका प्रपोर्शन हो गया 2 मोल। ये सब प्रपोर्शन होते हैं, या यही इसी को स्टाइक्योमेट्री हम बोलते हैं। ठीक ना, और इसको बोलेंगे हम स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन, है ना। इसी स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन यही है, स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन हम केमिकल रिएक्शंस का लिखते हैं। जैसे ये केमिकल रिएक्शन हुआ, हम इसका स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन लिखते हैं, स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन। इसका कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2 इक्वल टू 3 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 2 मोल ऑफ NH3, है ना। इसको मोल के जगह पे हम किलो मोल कर सकते हैं, या वॉल्यूम कर सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ N2, ठीक ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हम लिखे हैं ये स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन होता है। स्टाइक्योमेट्री कोफिशियंट, स्टाइक्योमेट्री कोफिशियंट क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री कोफिशियंट क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है, जैसे यहाँ N2 मिला, यहाँ H2 है, और ये NH3 ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, तो इसका मोल कितना है, 1 है, तो बोलेंगे N2 का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है 1 है, H2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट 3 है, और NH3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट 2 है। ठीक, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट हो गया। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो भी होता है, है ना। स्टाइक्योमेट्री किसी भी दो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अगर निकालना चाहिए स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो N2 to H2, ऐसे हमको निकालना हो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो N2 to H2 का, तो हम क्या करेंगे, N2 को कितने मोल है, 1 मोल है, H2 को कितने मोल है, 3 मोल, ये हो जाएगा स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। अब आता है स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन,
स्टाइक्योमेट्री प्रोपोर्शन, जैसे ये हमने लिख दिया 1/3 है ना, ये क्या इस इक्वेशन का हो गया स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। अब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे ए हमारे पास जरूरी नहीं होता है कि H2 को जो डालें और N2 को डालें 1:3 में डालें, हो सकता है हम H2 को ज्यादा डाल दें, हो सकता है हम N2 को ज्यादा डाल दें, इस तरह से हम रिएक्शन कराते हैं ना, जो हमको ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। जैसे हमारा H2 का ज्यादा मात्रा डाल रहे हैं तो हमारा ज्यादा इफेक्टिव हमारा प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे हम H2 की मात्रा को कुछ बढ़ा देते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। कोई भी इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में कहा जाएगा यदि उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर हो जाता है। जैसे रिएक्टेंट जो है उनका अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बराबर हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कि इक्वेशन जो है स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है। अब जैसे यही इक्वेशन है, अगर हम लिख दिए 2 मोल हम N2 डालें, अब H2 को हम डाल दिए, जैसे यहाँ 3 मोल डाल रहे थे, H2 को हम 8 मोल डाल दिए, ठीक ना, 8 नहीं 1 सेकेंड ठीक, और ये हमारा बन रहा है NH3, ठीक ना। अब देखिए 2 मोल डालें इसको H2 को 3 में, अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं N2 to H2 2/8 आएगा, है ना, 2/8 मतलब 1/4, तो ये वैल्यू छोटा आ रहा है, ये वैल्यू बड़ा है, मतलब इसमें डिफरेंस आया है ना स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, मतलब ये जो इक्वेशन है बोलेंगे ये स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उनके जो कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट के जो रेशियो है वो इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं आया है ना, इसलिए एक इक्वेशन क्या कहला जाएगा स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन अगर ऐसे जहां लिखा रहेगा, जैसे हम लिख दें इक्वेशन 2N2 + 6H2 gives NH3, ठीक, अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकालें तो क्या आएगा 2/6 यानी 1/3, ये 1/3 क्या है, ये इसके बराबर आ जाएगा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के, अर्थात हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, ठीक, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में ये नहीं है, ठीक ना, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं, ये तो था बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक था, अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे, ये सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक है रिएक्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, पहला होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, और एक दूसरा होता है एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसे हम कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहला तरीका है हम कह सकते हैं कि मान लो ए प्लस बी मिलके हमारा सी बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन पूर्ण होने पे सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बाद तक बचा रहता है उसको बोलेंगे एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में दिया हुआ हो, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, अब हम क्या किए N2 H2 डाले थे ना, तो 2 मोल N2 डालें, 8 मोल H2, जबकि हमारा 6वें मोल डालने पे हमारा ये 4 मोल बनना था, ठीक ना, तो हम कहेंगे ये जो N2 है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि H2 का अभी 2 मोल रिएक्शन पूरा होने के बाद भी बचा रह जाएगा, है ना, तो इसलिए कहेंगे N2 क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये पहले समाप्त हो जा रहा है, ठीक ना। और दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि वह रिएक्टेंट है ना, वह रिएक्टेंट जो अपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट से कम दिया गया या स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन से कम मोल में दिया गया हो, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, बाकी जो बचेगा उसको एक्सेस कहेंगे, ठीक। ये 2-3 तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। जैसे हम कोई भी इक्वेशन अगर एज्यूम करते हैं, जैसे C2H4 + 1/2 O2, ये ऑक्सीडेशन है C2H4 का, तो इस
इसमें हम क्या देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमारा दे दिया है ये 50 मोल दे दिया हमारा, या सीधे 100 मान लो, 100 मोल हमारा ये दिया गया है और ये हमारा दिया गया है 80 मोल, है ना। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको पता करना है कौन एक्सेस है कौन और लिमिटिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो या तो इससे देख सकते हैं या इससे देख सकते हैं। अगर ये C2H4 100 मोल दिया है, अगर स्टोइकोमेट्रिक अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ C2H4 बराबर आधा मोल ऑफ O2 बराबर हमारा जितना मोले बन रहा है, इसको छोड़ देते हैं अभी, है ना। तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे देखेंगे, मिलाएंगे। जैसे 100 मोल दिया है तो यहाँ 100 अगर रखते हैं, 100 मोल C2H4, तो हमारा O2 कितना लगना चाहिए, जी एक है तो आधा लग रहा है, 100 है तो 50 लगेगा, 50 मोल ऑफ O2 लगेगा। लेकिन ये 80 दिया है यानी 30 मोल अधिक दिया है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेस है मतलब ज्यादा मात्रा में, और ये लिमिटिंग है मतलब लिमिट में दिया है, ठीक ना। ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग और एक्सेस, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट है 30 मोल ज्यादा दिया, अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें कितना परसेंट हमारा ये O2 अधिक दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज एक्सेस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये सब ध्यान से पढ़ना हम लोगों ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, परसेंट एक्सेस कैसे निकालते हैं, मतलब परसेंट एक्सेस का मतलब O2 ज्यादा है, लेकिन कितना, अब यहाँ तो हमको पता चल रहा है 30 मोल ज्यादा, लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट हमारा O2 ज्यादा दिया गया है, ठीक ना। तो जो O2 ज्यादा दिया गया उसके लिए परसेंट एक्सेस हम अगर O2 का निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालें कितना मोल हमारा O2 टोटल हमारा दिया गया है इक्वेशन में, टोटल मोल O2 कितना दिया गया, 80, और कितना रिएक्ट किया या कितना हमको जरूरत है, जरूरत कितना है, 50 मोल का जरूरत, क्योंकि ये 100 मोल है, तो अगर ये 50 मोल रहेगा तभी ये रिएक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा जितना ये लगेगा उसका आधा ये लगेगा O2, तो ये 50 मोल यूज होगा यहाँ पे, है ना। और इसी से हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक ना। यहाँ घटा देंगे 30/50 गुणा 100, ये कट जाएगा 2 से, यानी 60% हमारा O2 अधिक दिया गया है ना। तो ये हमारा एक्सेस, परसेंट एक्सेस निकालने का तरीका है, कैसे हम निकालते हैं, जो भी हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे ना, वो सब हम सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। कन्वर्जन हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे निकालेंगे, है ना, क्योंकि वो लिमिट है, उसके बेस पे हम निकालेंगे कि अच्छा कन्वर्जन के आधार पे हम ये देखते हैं कि जो कन्वर्जन हो रहा है कितना परसेंट रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, उस हिसाब से हम निकालेंगे कि रिएक्टेंट कितना परसेंट पूरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, कम्प्लीशन मतलब कितना खत्म हुआ रिएक्शन, है ना, कितना पूरा हुआ। तो हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बेस में निकालें, मान लो ए प्लस बी गिव सी है प्रोडक्ट है, और ये हम मान लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, तो हमारा कन्वर्जन जो होगा परसेंट कन्वर्जन, है ना, परसेंट कन्वर्जन निकालते हैं हम हमेशा ए का निकालेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा। तो हम इसका परसेंट कन्वर्जन निकालेंगे कि पहले हम ए दे वह मोल जो कि हमारा पूरा रिएक्शन में दिया गया हो, है ना, टोटल मोल्स ऑफ ए फीड, कितना मोल्स ऑफ ए फीड किया गया, और ऊपर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड मतलब कितना मोल ए रिएक्ट किया है ना, उतना डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ए कितना फीड किया, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारा परसेंट कन्वर्जन निकल जाएगा ए का, ये क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। ये तो हमने बता दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता करेंगे इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है।
योगिक कन्वर्जन ऑफ ए। अब हम दो चीज और आता है, यील्ड एंड सेलेक्टिविटी। है ना, ये वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, केवल थ्योरी के रूप में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये लिमिटिंग और एक्सेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यील्ड और सेलेक्टिविटी के बारे में जानने से पहले कुछ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। पैरेलल और सीरीज रिएक्शन क्या होते हैं? पैरेलल रिएक्शन ऐसे होते हैं, ए से बी बना और ए से ही सी बना, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा पैरेलल रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन क्या होते हैं? ए से बी बना फिर बी से ही सी बना, ये हो गया हमारा पैरेलल और सीरीज रिएक्शन। दोनों में कुछ अंतर होते हैं थोड़े बहुत, जैसे ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है ना, और ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ये सीरीज रिएक्शन हो जाएगा, और ए से ही बी बन रहा है और ए से ही सी बन रहा है, तो ये पैरेलल रिएक्शन हो जाते हैं ना। तो अब देखो इसमें यील्ड क्या निकालते हैं, इसमें हमारा एक हो जाता है डिजायर्ड, एक हो जाता है अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, तो कोई भी इसमें अनडिजायर्ड और डिजायर्ड हो सकता है। तो जब यील्ड निकालते हैं हम ना, तो यील्ड निकालते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे, यह रिएक्टेंट इसमें जैसे हमने एक ही दर्शाया है, ए एक रिएक्टेंट है ना, तो यहाँ लिमिटेड और एक्सेस की कोई बात ही नहीं है। तो यील्ड निकालने के लिए हम टोटल मोल, जैसे ए ए बी बन रहा है तो मान लो एक्स मोल खर्च हो रहा है, ए सी बन रहा है तो मान लो वाई मोल खर्च हो रहा है ना। तो इस बेस पे अगर हम करते हैं यहाँ से, यहाँ से करते हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड कितना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, टोटल मोल्स कितने रिएक्ट किए हैं ए के, x और y मोल क्या होंगे, कन्वर्ट हो गए b और c में। और अगर हमको यील्ड निकालना है c का, मान लो c है हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो कितना मोल्स अगर यील्ड निकालेंगे, तो यील्ड हम किसका निकालेंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, c का। तो c का डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स कितना रिएक्ट किया, टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड टू प्रोड्यूस सी, है ना, सी यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस सी। अभी तो यहाँ पे कितना टोटल मोल कितना रिएक्ट किया और डिजायर प्रोडक्ट बनाने में कितना कन्वर्ट किया वो ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, सी बनाने में कितना खर्च हुआ, वाई, तो वाई अपान एक्स प्लस वाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारा परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है सेलेक्टिविटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू डी, है ना, सेलेक्टिविटी इस बेस पे निकालते हैं। सी का अगर निकालेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सी क्या है हमारा, जिसका निकालते हैं, किसका निकालते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, हमेशा डिजायर्ड प्रोडक्ट का हम निकालते हैं, ठीक ना। और डी क्या है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो कि हमको जरूरी नहीं, जैसे किसी भी रिएक्शन में और बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, फिर वही इंटरमीडिएट कंपाउंड आगे बन जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक। अब क्या है कि सी बनाने में, है ना, सी का सॉरी रिलेटिव सेलेक्टिविटी आप सी निकालेंगे डी के रिस्पेक्ट में, तो सेलेक्टिविटी सी निकालने के लिए हम सीधे लिखेंगे मोल्स ऑफ, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको नीचे रखेंगे, मोल्स ऑफ डी यानी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ सी यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब कितना मोल सी बना कितना मोल डी बना, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब कितना मोल हमारा डिजायर्ड, कितना मोल हमारा बी है बी में कन्वर्ट हुआ, कितना मोल सी में कन्वर्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड इंटू बी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कन्वर्टेड इंटू सी, तो यही लिखा है कितना कन्वर्ट होगा, जितना ये खर्च होगा उतना ये बनेगा बी, जैसे सी कितना बना, तो वाई बना यहाँ पे,
बी कितना बना, सॉरी डी कितना बना, डी नहीं बी सी बना ना, बी एन सी है ना, बी और सी, बी कितना बना, सॉरी सॉरी सॉरी, मोल्स ऑफ डिजायर प्रोडक्ट क्या है, सी है, सी सही था यहाँ पे, और यहाँ पे बी रहेगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है ये, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अनडिजायर्ड कितना, बी, बी क्या एक्स, अब बाकी सी क्या वाई, तो अनडिजायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट मोल, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मोल, या ए कितना कन्वर्ट हुआ बी में, ए कितना कन्वर्ट हुआ सी में, तो हो जाता है हमारा कुछ थ्योरी का पार्ट। अब इतना तो हो गया थ्योरी का पार्ट, इसमें पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा, हम इस वीडियो में भी बताएंगे और अगले वीडियो में भी बताएंगे उसको, ठीक। हाँ, तो सबसे लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, एयर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, सब लोग जानते हैं एयर हवा होता है जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, सब कुछ होता है, सब लोग जानते हैं। तो एयर के बारे में एक चीज़ और जानना है, ये भी सब लोग जानते हैं, जैसे मान लो अगर 100 किलो मोल एयर है, ठीक, या 100 वॉल्यूम एयर है, या 100 ग्राम मोल, या इसी को ग्राम मोल को ही हम बोलते हैं, 100 मोल हम बोल सकते हैं ना, ये हमारा एयर है, मान लो 100 किलो किलो मोल हम एयर लिए, तो इसमें हमारा दो चीज़ हम मानते हैं, एक N2 मानते हैं, एक O2 मानते हैं। N2 का हम वॉल्यूम या किलो मोल या ग्राम मोल या मोल में मानते हैं 79, जो भी इसमें से हम यूनिट यूज कर लें, जिसमें रहेगा एयर उसी में हम यूज करें, किलो मोल है तो किलो मोल, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, ग्राम मोल है तो ग्राम मोल, मोल है तो मोल, ठीक। O2 का कितना होता है, 21, इसमें जैसे ए 21 होता है, ये 20 पॉइंट कुछ होता है, ये 78 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए आसान के लिए हम इसे 79 और 21 मान लेते हैं, ठीक। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, अगर एक किलो मोल है तो एक किलो मोल में रहेगा, ये भी किलो मोल में रहेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे इसमें, है ना। कैलकुलेशन क्या करेंगे, अगर हमको O2 के अमाउंट दिया है, जैसे O2 की अमाउंट हमको दिया है एक्स किलो मोल, हमको निकालना है N2 या एयर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, ये स्टोइकोमेट्री है थोड़ा सा, तो इसमें करते क्या है, N2 का अगर निकालना है तो N2 को वॉल्यूम कितना होता है हम पता करेंगे, N2 का वॉल्यूम कितना होता है, ये 79 किलो मोल होता है, जिसका निकालेंगे उसका हम वॉल्यूम या मोल ऊपर रखेंगे। अब क्या दिया है, किसके बेस पे हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ O2 दिया, एयर तो दिया नहीं, O2 दिया, O2 कितना दिया एक्स मोल, तो O2 का वॉल्यूम कितना होता है 21, जिसके बेस पे निकालते हैं।